अरे वाह, हेवन प्राइस, ओ माय गॉड, क्या बात है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैगा जी की तक। की हाल चाल, आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कमाल की वीडियो के अंदर। आज यार काफी दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एंड आपको पता भी है यार क्यों मैं व्लॉगिंग से थोड़ा सा आउट हो गया था। जो मेरे नियर वंस हैं उनको सबको पता है यार क्यों व्लॉगिंग से मैं आउट हो गया। थोड़ा काम के अंदर बिजी हो गया था एंड नहीं टाइम निकल पा रहा था यार व्लॉगिंग के लिए, एंड थोड़ा बहुत यार मतलब आलस सा आने लग गया था व्लॉगिंग के रिगार्डिंग। बट राइट नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आप सबको यार कुछ बढ़िया चीज़ बताऊँगा। इस बार थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे व्लॉग को, एंड कुछ नहीं पता क्या कुछ बनेगा व्लॉग के अंदर। एंड स्टार्ट करते हैं यार। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, मैं जी कहता की हाल चाल। सो हैव अ लुक, दिस इज माय स्मॉल सेटअप यार। अभी टीवी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है इसका, बट ये अपना टोनोर का माइक जिससे मैं डमीज वगैरह तैयार करता हूँ अपने सॉन्ग्स की। एंड छोटा सा एक आपको रूम टूर दे दूँ मैं यार, काफ़ी यार मैस हुआ बड़ा अभी तो फिलहाल। लाइक ये देखो यार, थोड़ा बहुत यहाँ पर कैलकुलेटर है, अपनी शॉप का नाम वगैरह सनसेलेक्टेड वर्क्स, अपना माउस पैड यार, इसके ऊपर पानी पूरी गिर गया था, एंड ये अपना टोनोर का माइक, एंड यहाँ पर एक यार काफ़ी कूल सा एक प्रोजेक्ट बनाया मैंने, आप सबको सुनाना चाहूँगा। मैं सुन के बताओ यार आप। वेट अ व्हाइल गाइस, ये संता सिंह ब्रो। सो गाइस कैसी लगी बीट यार कमेंट करके बताना। एंड यार यहाँ पर लगाया अपने दुबई वाले, आई लव दुबई यार। ये पहले यहाँ पर लगा हुआ था इस साइड पे, एंड मैं अपनी यार चेयर पे बैठा हुआ हूँ वैसे। सो फिलहाल के लिए तो सिर्फ इतना ही है, एंड मैं कुछ अलग अलग से मतलब वो बना रहा था अपने बीट्स वगैरह। मेरे अभी जस्ट एक बीट तैयार करी थी वाली मैंने, एंड हाय हाय हाय, क्या सायरन बजता है यार, ये क्या सायरन बजता है, बढ़िया। राइट नाउ तो बस यही कुछ है अभी दिखाने के लिए। अपने यार 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, लगभग 70 सब्सक्राइबर्स रह गए 2000 होने को। सो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो यार गाइस, एंड या दैट्स इट। द नेक्स्ट डे, वेलकम बैक अगेन, दिस इज द नेक्स्ट डे। एंड यार अपना दोस्त है प्रीति, जो कि आजकल कॉलेज तो आता नहीं है, दिल्ली रह रहा है वो। उसका ना यार उसका पता नहीं स्कूटी है, पता नहीं कौन सा व्हीकल है, उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है। जा रहा हूँ मैं स्कूटी पे, अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे, एंड जाके मिलते हैं यार उससे। कॉलेज में तो मिल ही नहीं पाया था मैं उससे इतना, तो अगेन उसका फ़ोन आया गया था भाई आज, मैं यहाँ पर पास में आया हुआ था, एंड मैंने सोचा क्यों ना इसका फ्यूल अप करा के आए। एटमोसफेयर काफ़ी बढ़िया आज का, देखो जी महीप सिंह जी का एक पॉडकास्ट, बढ़िया बंदे है यार, मैं काफी दिनों से इनको देख रहा हूँ, एंड समय रैना को भी काफी देख रहा हूँ यार। समय रैना के जोक्स यार एक नंबर है, मतलब एक नंबर जोक्स। मौके तो आई देखिए ना यार, आज कहीं गया नहीं, घर पे था, तो कुछ ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं करा आज, कल करेंगे, कल देखते हैं क्या कुछ कल का शेड्यूल है, देखते हैं व्हाट विल हैपन टुमारो। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस आपको यार एक ड्रीम कम ट्रू वाली आपको एक सिचुएशन बताना चाहता हूँ आज यार, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है मेरे साथ। एक छोटे लेवल से स्टार्ट करा था अपनी, मतलब मेमरीज़ को मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू करा था, एंड साथ में गाने जो मैं थोड़े बहुत लिखता था वो गाने शुरू करे थे। बट उस दिन से लेकर आज के दिन तक यार एक होता ना एक ओहदा मिला है काफ़ी बड़ा यार, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, एंड आज आप सबको मैं मिलाना चाहता हूँ किशन शर्मा के साथ। इन्होंने यार मेरे को एक मेरे लिए प्रेजेंट लाए हैं, गिफ्ट लाए हैं कि ये। सो आज उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आप, एंड आप सबको दिखाता हूँ इस वीडियो के थ्रू, देख के बताना कैसा गिफ्ट है ये।
सो करिए ओपन अपन एंड थोड़ा अपने बारे दसो तुसी में की कुछ करदे हो तुसी तुहाडा चैनल चुनल है कोई जी मेरा नाम कृष्ण शर्मा है हाँ जी तो ज़्यादातर मैं पेंसिल स्केच जो है सभी के बनाता हूँ जो मेरे दिल में बैठते हैं अरे वाह वाह तो मेरे दिल में बैठे हैं तो इनके पास आए पेंसिल स्केच जो कहते हैं कि भावनाओं के द्वारा जो है बनाता है सेम टू सेम चेहरा रूबरू अपन कहते हैं ना तो इसमें इस फोटो में मैं ये नहीं कहता फोटो में इनकी जान डाली है मैंने तो इस जान के द्वारा जो है मैं जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ तो गाइस कभी कभी ऐसा लगता है काफ़ी ब्लेस्ड हूँ यार मैं ये सब ऐसी चीज़ें मेरे को अगर प्रेजेंट में मिल रही हैं तो अरे वाह हैव अ लुक गाइस ओ वाह जी वाह क्या बात है तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है कोयले में से जो है कहते हैं ना हीरा ढूंढा है तो मैंने इसको हीरा ढूंढा है मैंने तो मैं सभी जो है इनके जो फैन हैं इनके फ्रेंड हैं सभी चाहता हूँ कि ये अनमोल दिल से चाहने वाला तो सबके दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई है तो मेरे दिल में भी इन्होंने जगह बनाई है तो मैं दिल से जो है इनका दिल से हृदय से अपने से इनको खूब खूब प्यार करता हूँ तो सदा ही इनका प्यार सभी दोस्त बनाए रखें और अपने दिल में जगह दें मैं कहूँगा मेरे जैसा भी दोस्त नहीं मिलेगा तो सदा ही इनका प्यार बनाए रखें बहुत बहुत धन्यवाद गाइस काफ़ी खुशी होती है ऐसा ऐसे मतलब ऐसे ही अपन को यार अपने एक तो यार सब्सक्राइबर से एक फ्रेंड वाला जोन हमारा बना क्रिएट हुआ है सो यार मेरे वीडियोस वगैरह देखते थे एंड उसके बाद धीरे धीरे मतलब इंस्टा पे मेरे को कभी कभार मैंने इनकी आईडी देखी है बट मैं इनको वैसे ऐसे तरीके से नहीं जानता था कभी कभार इनको मैंने देखा है अभी आसपास अपने सो आज इन्होंने गिफ्ट दिया मेरे को मैं यार कभी सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा गिफ्ट मेरे को अभी ज़िंदगी में मिलेगा मैं यार काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ आज एंड प्राउड फील कर रहा हूँ कभी यार ऐसा दिन भी मेरे लाइफ में आना था आ गया यार वो दिन तो काफ़ी ब्यूटीफुल सी यार इन्होंने ये ड्राइंग बनाई है स्केच काफ़ी बढ़िया है मैं यार वैसे अपने ना आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ एक टाइम था मेरा एक फ्रेंड भी ऐसे स्केच वगैरह ड्रॉ करता था मेसी के कर दिए रोनाल्डो के कर दिए ऐसे स्केचेस बनाता था तो मैं उसको कहता था यार मेरा भी एक स्केच बना के दे मैंने अपनी वॉल पर लगाना है सो आज वो दिन भी पूरा हो गया एंड भाजी ने अपा को यार ये स्केच गिफ्ट करा है यहाँ पर लगेगा ये स्केच एंड बस ये हमेशा के लिए भी यहीं पे रहेगा सो थैंक यू सो मच भाजी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी ठीक है भाजी यार इस मूवमेंट कुछ बोला भी नहीं जा रहा यार काफ़ी सारे यूट्यूब्स को मैंने देखा था कि उनको भी ऐसे मिलता है यार ऐसे सरप्राइजेस मिलते हैं उनको बट आज मेरी लाइफ में सबसे पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिला है मेरे को मैंने इसको यहाँ पे फ्रेम करके लगवा दिया मतलब फ्रेम करके तो मिला था मुझे एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको एक बार के लिए बट इसकी जगह यहाँ पे बनाऊँगा मैं एक बार के लिए इसको यहीं पे लगा के रखा हुआ है यार शब्द ही नहीं है मेरे पास मौके पे मैं काफ़ी खुश हुआ हूँ यार इस चीज़ से अगेन थैंक यू सो मच अगर कृष्ण जी आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं ये वीडियो जब अपलोड होगी थैंक यू सो मच आपने इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है मेरे को मैं तो काफ़ी आगे जाए इनके स्केचेस वगैरह एंड काफ़ी कलाकारों के पास जाएँ एंड वो भी ऐसे शाउट आउट दें सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एवरीबॉडी एंड कृष्ण भाजी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन